राजनगर फमवारा चौक से निकली कलश यात्रा, भक्ति भजनों पर झूमे महिला पुरुष। शनिवार में गौशाला निर्माण को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा राजनगर फमवारा चौक से सुबह 7 बजे रवाना हुई। फमवारा चौक से रवाना हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां कलश लिए भक्ति भजन गुनगुनाते हुए चल रही थी। कथा महोत्सव को लेकर जगह जगह स्वागत गेट लगाए गए। कलश यात्रा में डीजे पर चल रहे भक्ति भजनों पर महिला पुरुष गुनगुनाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा फमवारा चौक से रवाना हुई, जो नेशनल हाईवे अंडरपास शनवार बस स्टैंड होते हुए कथा स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में डीजे पर भक्ति भजनों से समूचा वातावरण पूरा भक्तिमय हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शनवार एवं आसपास के बड़ी तादाद में महिलाएं एवं युवक युवतियां ने कलश यात्रा में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गो कथा में बताएंगे गौ माता का वैज्ञानिक और औषधीय महत्व। साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती ने कहा कि मेवाड़ के अधिकतर लोग गौ माता के महत्व को भूल चुके हैं और वह गाय को सिर्फ दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से ही देखते हैं। गौ माता का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं औषधीय महत्व भी है। साध्वी ने सनवाड़ में आयोजित गौ कथा को लेकर पूर्व संध्या पर गौ कथा स्थल पर कहा कि जो लोग गौ माता के सभी महत्व भूल चुके हैं, उन्हें ये सभी बताकर उन्हें गौ सेवा करने के लिए प्रेरित करते हुए स्वस्थ, सुखमय और सफल जीवन की ओर ले जाने के लिए यह कथा का आयोजन हो रहा है। बताया कि कथावाचक मेवाड़ के संत गोभक्त भैरव उपासक जगदीश गोपाल करेंगे। संत जगदीश गोपाल 31 वर्षीय गो पर्यावरण यात्रा पर हैं। उन्होंने यात्रा मेवाड़ और हल्दीघाटी से 4 दिसंबर 2012 को शुरू की थी। वह अब तक 38,000 किमी की पैदल यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने गाय का महत्व बताते हुए उसकी सेवा करने के लिए लोगों को जागरूक किया। लेकर के 30 मई तक ये कथा जो सनवाड़ रास नगर में होने जा रही है, इस कथा का उद्देश्य है कि संपूर्ण मेवाड़ में गाय माताओं को लेकर एक क्रांति आए। जो लोग गौ माता का महत्व भूल चुके, जो लोग गौ माता को केवल मात्र दूध की दृष्टि से देखते हैं, वो लोग गाय माता का वैज्ञानिक, गाय माता का औषधीय और गाय माता का आध्यात्मिक महत्व जान करके गौ सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाए, एक स्वस्थ, एक सफल और एक सुखमय जीवन जिए, इस कथा का ही उद्देश्य है। इस कथा के वक्ता है परम पूज्य गुरुदेव भगवान जगदीश गोपाल जी महाराज। आप मेवाड़ से ही है और आपके सानिध्य में 31 वर्षीय गौ चेतना पदयात्रा चल रही है। 2012 को ये पदयात्रा हल्दीघाटी से रवाना हुई थी और इस पदयात्रा में गुरुदेव अब तक 82,000 किलोमीटर पैदल चल गए हैं। क्योंकि राजस्थान की यात्रा पूर्ण हो गई है, संतों के विशेष आग्रह पर गुरुदेव भगवान ने राजस्थान पूर्ण होने के पश्चात अति विशेष कार्य हेतु वाहन का प्रयोग शुरू किया है। तो गुरुदेव भगवान अभी राजसमंद पधारेंगे और राजसमंद के पश्चात फिर यात्रा में पधारेंगे।